can move freely on Spawn Island while you wait to board the plane. हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पबजी में नेक्स्ट अपडेट में क्या क्या न्यू फीचर आने वाला है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। मतलब बहुत सारा ऐसा फीचर है जिसे देख के गाइस आप लोग एकदम हैरान हो जाओगे। मतलब न्यू मोड में आप लोग को इस वीडियो में दिखाऊंगा। और का जो नेक्स्ट अपडेट होगा 1.5 का, वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है, तो इस वीडियो में आप लोगों को वही दिखाने वाला हूँ। तो ये गाइस 1.5 का बीटा वर्जन है जो कि मैंने आज ही खेला है। अब ये गाइस मेरा फर्स्ट मैच था और ये मैंने स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे ये एक न्यू मोड है जो कि हम लोग को नेक्स्ट अपडेट में मिलेगा। अब गाइस आप लोगों को पता है यूनिक पावर इंसेक्ट मोड, ऐसा मोड हम लोग को हर अपडेट में मिलता है। तो ऐसा गाइस हम लोग को एक न्यू मोड मिलेगा नेक्स्ट अपडेट में। अब जब मैंने स्टार्ट किया तो यहाँ पे गाइस आप लोग को सबसे पहले तो मैप होता है, उसमें आप लोग को नेम ऊपर से लिखा हुआ दिख जाएगा। और आप लोग चाहे तो यहाँ पे मैप में लिख के, मतलब वहाँ पे आप लोग टैप करके मार्क कर सकते हो, जो कि आप लोग को दिख रहा है। और यहाँ पे गाइस एक और फीचर है, राइट साइड में देख सकते हैं यहाँ पे कुछ है लोकेशन का, मुझे नहीं पता वो क्या है। और यहाँ पे गाइस देख सकते हैं मैंने रोचक में मार्क किया, तो यहाँ पे ये मेरा मार्क हो चुका है। और यहाँ पे एक और फीचर मुझे मिल रहा है जो कि है ऑटो जंप का। अब जब मैंने उसको ऑन किया तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हो चुका है कैंसल ऑटो जंप, बट मुझे नहीं पता गाइस कि वो किस तरह से काम करता है। मतलब गाइस वो मैंने इनेबल किया था, बट फिर भी गाइस यहाँ पे मुझे जंप करना पड़ा। और यहाँ पे गाइस देख सकते हैं मैं जब छोड़ देता हूँ और कैंसिल कर देता हूँ तो ये थोड़ा स्लो जंप करता है। अब मुझे नहीं पता भाई कि ये किस तरह से काम करता है। मतलब यहाँ मैं इनेबल करके जंप कर रहा हूँ तो मेरा स्क्रीन पर रोटेट नहीं हो रहा है और यहाँ पर भाई मेरा स्पीड बहुत ही स्लो था। तो इसलिए गाइस मुझे लगता है ये फालतू फीचर है, मतलब हो सकता है कुछ बग भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं जंप करता हूँ स्कूल के पास। और इस गेम प्ले को आप लोग लास्ट तक देखना, मतलब ये एक न्यू मोड का है जिसमें आप लोग को ऐसा फीचर मैं आप लोग को दिखाऊंगा जो कि आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं। और ये भाई बहुत ही बढ़िया फीचर है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखे एक न्यू गाड़ी था जो कि भाई आप लोग उस पर चढ़ सकते हो। मैं आप लोग को आगे उसका यूज दिखाऊंगा, उसमें चढ़ के दिखाऊंगा, तो गेम प्ले को देखते रहो। और फिर भाई यहाँ पे मैं इसके ऊपर चढ़ गया था। अब गाइस वो बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, मतलब मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा उसमें जाके। अभी गाइस आप लोग देखो बाकी फीचर्स को। तो यहाँ मैं जैसे आता हूँ स्कॉट हाउस के अंदर, और ये देखो भाई यहाँ पे ग्लास लग चुका है। मतलब भाई यहाँ पे हर एक खिड़की यहाँ पे पूरा ग्लास लग चुका है। और ये ग्लास टूटने का आवाज़ ही बहुत ही बढ़िया है। तो ये गाइस आप लोग को हर एक जगह मिलेगा, मतलब ये कोई नॉर्मल स्पेसिफिक मोड के लिए नहीं है। मुझे लगता है गाइस कि ये आप लोग को नॉर्मल रैंगल मैच में भी ये ग्लास मिलेगा। अभी गाइस मैं आप लोग को दिखाता हूँ नेक्स्ट फीचर। अब जो नेक्स्ट फीचर है उससे आप लोग अपना हेल्थ आइटम को थ्रो कर सकते हो। यानी कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर जब मेरा नेड होता है वहाँ पर मुझे एक न्यू चीज़ मिल रहा है ऑप्शन। तो जब मैंने उस पर टैप किया तो यहाँ पर देख पा रहे हैं मैं उसे थ्रो कर पा रहा हूँ। और जब मैंने थ्रो किया तो जहाँ पर ये गया वहाँ पर देख पा रहे हैं मुझे यहाँ पर एनर्जी ड्रिंक मिल रहा है। तो ये गाइस मेरा ही ड्रिंक था, मतलब यहाँ पे मेरा बैंडेज सेट है। तो ये मैंने थ्रो किया तो सामने बैंडेज चला गया। मतलब गाइस अगर आप लोगों के पास ज़्यादा हेल्थ है और आपके पास आपके टीममेट के पास नहीं है तो आप लोग चाहो तो हेल्थ सेट कर सकते हो। फिर आप लोग जब थ्रो करोगे तो आपका हेल्थ आइटम चल जाएगा आपके टीममेट के पास, मतलब जहाँ आप लोग थ्रो करोगे वहाँ ये चला जाएगा। तो ये गाइस सबसे बढ़िया फीचर मुझे लगा। और उसके बाद गाइस जैसे मैं इस जगह पर आता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक और चीज़ मिल जाता है। अब मुझे नहीं पता भाई वो क्या था, तो यहाँ पर मैं फेंकता हूँ और इसका नेम था रायट शील्ड। और ये भाई क्या ही फीचर था, मतलब गाइस मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये मैंने पहले ही खेल चुका है, मैं बाद में वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो देखिए पहले एक बार ये राइट शील्ड इसका नेम है गाइस, तो आप लोग समझ गए होंगे ये क्या होगा। तो इसको मैं यूज़ करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये मैंने पिक किया और जैसे मैं यहाँ पर टैप किया तो देख रहे हो भाई ये क्या है, मतलब कवर लग चुका है। और ये पबजी न्यू स्टेट का है, यानी कि गाइस जो आप लोग वो गाड़ी देखे थे जो कि यहाँ पे चल रहा था रोड पर और फिर यहाँ पर ये राइट शील्ड, तो ये दोनों पबजी न्यू स्टेट से लिया गया है। तो गाइस ये हम लोग को सिर्फ मिलेगा न्यू मोड में, ये रैंगल मैप में नहीं मिलेगा। मतलब गाइस आप लोगों को पता है जो न्यू मोड आता है उसको आप लोग चाहो तो खेल भी सकते हो, नहीं भी खेल सकते हो। तो वैसे गाइस आप लोगों को ये मिलेगा। और यहाँ पे गाइस ये अपडेट में गाइस बहुत सारा फीचर्स है, मतलब बहुत सारा सेटिंग है जो कि चेंज होगा। तो चिंता मत करो गाइस, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मुझे यहाँ पे कुछ हेल्थ आइटम मिला था। तो यहाँ पे गाइस आप लोग अपना हेल्थ आइटम को भी क्विक हील कर सकते हो, मतलब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं मैं इसको स्क्रॉल कर सकता हूँ और जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ गाइस तो वो मेरा ऑटोमेटिक यूज़ होने लगा है। तो ये गाइस बहुत ही बढ़िया फीचर है जो कि हम लोग को मिलेगा। और यहाँ पे गाइस ये जो राइट शील्ड है ये भी गाइस बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मतलब गाइस यहाँ पे मैं बहुत सारा बुलेट वेस्ट करता हूँ उसको मारने का, मतलब बहुत सारा बुलेट मारता हूँ लेकिन ये नहीं टूटता है। और उसके बाद मुझे यहाँ पे एक और फीचर देखने को मिला। तो यहाँ पे जब मैं फायर कर रहा था और जिससे मेरे यहाँ पे 8 बुलेट बचता है आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं एके में, तो यहाँ पे जो कलर है वो यहाँ पे हो चुका है येल्लो।
और फिर जैसे आप लोग का ये 3 से कम होगा तो आप लोग का ये हो जाएगा रेड। मतलब गाइस अगर आप लोग रिलोड नहीं किया तो आप लोग को ये कलर देख के समझ में आ जाएगा कि आपको गन को रिलोड करना है। तो ये गाइस मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो दोनों गन में ये काम कर रहा है, तो ये मुझे अच्छा फीचर लगा। उसके बाद गाइस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं मैं क्विक हील भी कर पा रहा हूँ, मतलब मैं ड्रिंक तुरंत चेंज कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मेरा ड्रिंक ऑटोमेटिक ये लगा रहा है, तो ये मुझे और भी बढ़िया लगा। फिर वहाँ से निकलने के बाद मैं आता हूँ हॉस्पिटल के साइड, क्योंकि मैप में एक मार्क शो कर रहा था डॉग का। तो यहाँ पे आप लोगों को सामने कुछ दिख रहा होगा, येलो कलर का कुछ चमक रहा है और ये एक डॉग है, मतलब आप लोग बोल सकते हैं मशीन डॉग, जो कि गाइस बहुत ही बढ़िया है। मतलब इसका यूज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो जैसे मैं इसके पास पहुँचता हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, तो उस पर मैं टैप करता हूँ और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे ये डॉग एक्टिवेट हो चुका है और ये अपने मुँह से कुछ रे फेंक रहा है। और यहाँ पे भाई जैसे मैं इधर देखता हूँ भाई, तो मुझे यहाँ पे लूट दिखने लगता है। मतलब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो 6x 4x दिख रहा है, जो कि भाई ऑटोमेटिक दिख रहा है, मैंने कुछ मार्क नहीं किया ना ही मेरा टीममेट है, यहाँ पे ऑटोमेटिक भाई मुझे यहाँ पे ये लूट दिखने लगा है। तो ये डॉग का गाइस यही काम है, मतलब जब भी आप लोग जहाँ भी जाओगे तो ये आपका पीछा करेगा और आपके पास जो भी लूट होगा तो ये ऑटोमेटिक मार्क होने लगेगा। और यहाँ पे भाई मुझे इस जगह पे एक और न्यू चीज़ देखने को मिलता है, जो कि भाई यहाँ पे मुझे मिला था, मैं आप लोग को आगे उसका दिखाऊंगा क्या है वो। और यहाँ पे तो देख पा रहे गाइस ये मेरा डॉग अंदर जाके लूट मार कर रहा है, मतलब भाई ये क्या क्या मार्क करता है मुझे नहीं पता, बट शायद कुछ कुछ भी मार्क करता है, जैसे कि यहाँ पे स्कोप मार्क कर दिया, फिर एक्सटेंडर मार्क किया। तो गाइस तो ये अच्छा ही फीचर है। अब क्या पता गाइस गन ही मार्क करता हो, मतलब यहाँ पे मैंने देखा था बहुत सारा गन भी था बट वो मार्क नहीं कर रहा था। और उसके बाद गाइस यहाँ पे मैं ये डॉग को मारने का ट्राई करता हूँ, तो ये डॉग मरता भी है। मतलब गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फायर दिया, तो कुछ फायर के बाद ये डॉग छुप जाता है। तो यहाँ पे मैं इसके पास आता हूँ तो भाई ये देख सकते हो ये अभी भी यहाँ से चल रहा है, तो इसको मैं फिर से मारता हूँ और ये भाई डॉग मर जाता है। मतलब भाई मुझे नहीं पता ये डॉग का क्या क्या काम है, मतलब ये सिर्फ लूट मार करता है या फिर कुछ और भी करता है मुझे नहीं पता। लेकिन भाई मैप में एक और डॉग का मार्क आ रहा था जॉर्ज पुल में, तो यहाँ मैं बग्गी लेता हूँ और उसके पास चलता हूँ। अब जैसे मैं इस डॉग के पास पहुँचता हूँ तो यहाँ पे मुझे इसके पास कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। तो मैं इस डॉग को भी मार देता हूँ और ये डॉग भी मर जाता है। तो मुझे भी लगता है गाइस कि आप लोग एक मैच में सिर्फ एक ही डॉग यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आप लोग उसको मार देते हो तो फिर आप लोग दूसरा डॉग यूज़ नहीं कर सकते हो, ऐसा हो सकता है। मुझे नहीं पता भाई कि क्यों नहीं मिलता ऑप्शन। फिर उसके बाद मैं बग्गी लेता हूँ और जैसे मैं इस जगह पर आता हूँ तभी भाई सामने मुझे एक टावर दिखता है, जो कि भाई यहाँ पर ऐड हुआ है। और इस जगह पर भाई दो टावर मुझे यहाँ पर दिख रहा था और एक गाड़ी भी था, मतलब यहाँ पर बंदा आ चुका है। अब यहाँ पर भाई दोनों टावर सेम था, मतलब हर एक चीज़ सेम था। तो इसके पास मैं आता हूँ तो यहाँ पर मुझे इंटर का ऑप्शन मिल रहा है, मतलब क्या यूज़ है मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो जैसे आप लोग इसके पास पहुँचेंगे तो आप लोग को यहाँ पे मिलेगा एंटर का, उस पर टैप करोगे तो आप लोग इसके अंदर बैठ जाओगे। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्रॉस है, जो आप लोग का जॉयस्टिक है उससे आप लोग चेंज करके डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। और जो आप लोग का राइट में एक फायर का ऑप्शन है उस पर टैप करोगे तो आप लोग का ये सेट हो जाएगा। अब ये गाइस ग्लिच हो सकता है, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फायर दिया तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था, फिर कुछ देर बाद यहाँ पे ये मेरा शो होने लगा और ये गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मैं हवा में उड़ने लगा हूँ। तो ये गाइस यही फीचर है, मतलब ये जो टावर है आप लोग बोल सकते हैं ये आप लोग के लिए उड़ने के लिए, जब लोग ये यूज़ करोगे तो आप लोग हवा में उड़ जाओगे और फिर यहाँ से आप लोग कहीं भी जा सकते हो। मतलब आप लोग उड़ के जैसे कि आप लोग ग्लाइडिंग करते हो तो वही है गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हो मैं वहाँ से उड़ चुका हूँ और यहाँ से मैं आगे जा रहा हूँ। अब ये गाइस बहुत ही बढ़िया, मतलब इससे आप लोग उड़ के लगभग गाइस 2000 मतलब 2000 मीटर आप लोग जा सकते हो। मैंने गाइस ट्राई किया, मतलब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो मैं जोधपुर से आ चुका हूँ भाई रोजो के पास। तो ये भी गाइस बहुत ही बढ़िया फीचर है और ये आप लोग को सिर्फ ये मोड में मिलेगा। अब चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ वो गाड़ी में बैठ कर, जो कि आप लोग स्टार्टिंग में देखे थे। फिर कुछ देर वेट करने के बाद ये गाड़ी यहाँ पे आता है, इसके अंदर मैं आता हूँ और इसको आप लोग ड्राइव नहीं कर सकते हो, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे चलता है और इसका डोर आप लोग क्लोज कर सकते हो। वैसे गाइस जब ये स्टार्ट होगा तो ये डोर ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो, और ये अब स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ से गाइस आप लोग फायर भी नहीं कर सकते हो और इसका स्पीड बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो ये गाइस एक ट्रैवल करता है एक पोजीशन पे, मतलब इसका पोजीशन सेट है कहाँ से कहाँ तक जाएगा। और यहाँ जैसे मैं इस जगह पे आता हूँ तो अभी देखना भाई यहाँ पे क्या होता है। और यहाँ पे भाई मैं बाहर गिर जाता हूँ, तो यहाँ मैं ऐसे फायर करता हूँ बट कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ पे गाइस ये जो गाड़ी है उससे आप लोग बीच में उतर सकते हो, मैं आप लोग को आगे दिखाऊंगा वो कैसे उतरना है। उससे पहले गाइस मैं आप लोग को एक और फीचर दिखाता हूँ, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मुझे ये लूट के टाइम मिला था, जिसका नेम है टैक्टिकल मार्किंग डिवाइस। अब जब मैंने पिकअप किया गाइस तो ये मेरा पहन लिया है हेलमेट वेस्ट के पास।
आई थिंक गाइस यहाँ पे ये मेरा फेस के आसपास पहना होगा, तो यहाँ पे मैं इसे गिराता हूँ पहले वेस्ट और हेलमेट को, और देखते हैं भाई ये कहाँ पे पहना हुआ है। तो यहाँ मैंने देखा भाई, तो देख सकते हो कान के पास कुछ आई थिंक है, तो पहले मैं फेंकता हूँ। और यहाँ पर देख पा रहे भाई ये कान के पास ही पहनता है। अब इसका भाई क्या यूज़ है मुझे नहीं पता, मतलब भाई ये देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है, जिसकी आप लोग बोल सकते हो ईयरबड्स के जैसा, मतलब भाई लगाओ और गाना सुनो। मतलब भाई ये क्या ऐड किया मुझे नहीं पता सर क्या यूज़ था। अब अगर आप लोगों को पता है गाइस तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो यहाँ से मैं निकलता हूँ नेक्स्ट फीचर की तरफ। अब चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ कैसे आप लोग ये गाड़ी चलते हुए बीच में कैसे उतर सकते हो। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे भाई ये जो गाड़ी है ये जा रहा है जोन के बाहर, और यहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जिसके आप लोग यहाँ पे देख पा रहे भाई, तो यहाँ पे मुझे लगा था मैं मर जाऊँगा, लेकिन भाई यहाँ पे मैं अपना जॉयस्टिक मूव करता हूँ गेट के पास से और यहाँ मैं बाहर निकल जाता हूँ। मतलब गाइस यहाँ पे मुझे लगता है कि जो गाड़ी है उससे आप लोग उतर सकते हो, आपका हेल्थ नहीं जाएगा, बस आपको गाइस गेट के पास से जॉयस्टिक अपना मूव करना है आगे के साइड, तो आप लोग बाहर निकल जाओगे। क्योंकि गाइस यहाँ पे देख पा रहे अगर मैं बाहर नहीं निकलता गाइस तो मैं जोन के बाहर चल जाता और मैं वहाँ मर जाता। और यहाँ पे भाई आप लोग मेरा हेल्थ देख रहे हो, मतलब मैं एक सेकंड के लिए यहाँ पे बच जाता हूँ। अब वहां से निकलने के बाद मैं सामने आता हूँ, यहाँ पे कुछ बंदे होते हैं, तो यहाँ मैं रश करता हूँ। और जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ भाई, तो यहाँ पे व्हीकल ऑटोमेटिक मार्क हो आता है, फिर ये वाला बंदा दिखता है जिसको मैं मार देता हूँ। और ये भाई रियल बंदे थे, मतलब ये गाड़ी लेकर यहाँ पे आए थे तो घूम रहे थे। और यहाँ पे एक और बंदा होता है। अब यहाँ पे भाई जब मैं लूट करूंगा तो इनके पास से मुझे कुछ न्यू चीज देखने को मिलेगा, तो यहाँ मैं लूट करने के लिए आता हूँ। और यहाँ पे ये डॉग भी होता है, तो इसे मैं मार देता हूँ। फिर यहाँ पे आप लोग देख पा रहे भाई मैं लूट कर रहा हूँ, तो इसके पास एक गोल्ड कॉइन है। मुझे नहीं पता भाई इसका क्या यूज़ है, मतलब मैं उठाता हूँ पर ये उठता नहीं है। और गाइस मैंने को दिखाया था कि जब मेरा गाड़ी मार्क हुआ था ऑटोमेटिक, तो मुझे भी लगता है गाइस कि जो टैक्टिकल मार्किंग डिवाइस था उससे मेरा ऑटोमेटिक ये मार्क हुआ था। अब उसके बाद गाइस जैसे मैं इस क्रेट को लूटता हूँ, तो यहाँ पे मुझे इस क्रेट से कुछ न्यू चीज़ देखने को मिलता है। पहला है आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो बाइनोकुलर्स। भाई साहब ये क्या ही पबजी वाले ऐड कर दिए। अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ इसका यूज़। तो जैसे आप लोग ये बाइनोकुलर्स को हाथ में पकड़ोगे तो ये ऑटोमेटिक आप लोग का इनेबल हो जाएगा और आप लोग इससे दूर बंदों को स्पॉट कर सकते हो। मतलब गाइस मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो यहाँ मैंने इसको हाथ में पकड़ा तो ये मेरा खुल चुका है, और देख पा रहे भाई मैं बहुत दूर तक स्पॉट भी कर सकता हूँ, और यहाँ पे फायर का भी ऑप्शन आ रहा है। अब मुझे नहीं पता भाई यहाँ पे कुछ ग्लिच हो सकता है, मतलब ये पबजी का न्यू बीटा अभी हाल में लॉन्च हुआ है, तो इसलिए गाइस यहाँ पे बहुत सारा ग्लिचेस भी होता है। और यहाँ पे गाइस देख सकते हो क्या दूर तक मैं देख सकता हूँ, और इसका सेंसिटिविटी भाई अभी बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब जब भी मैं मूव करता हूँ स्क्रीन को तो ये बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव हो आता है, तो शायद ये कुछ ग्लिच हो सकता है। वैसे गाइस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे गाइस ये हम लोग को मिलेगा नेक्स्ट अपडेट में, और ये सिर्फ न्यू मोड के लिए आएगा। और यहाँ पे हम लोग एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 8x से 4x हम लोग बाइनोकुलर को एडजस्ट कर सकते हैं स्पॉट करने के लिए, तो ये गाइस बहुत ही बढ़िया है। Watch out! और तभी गाइस यहाँ पे एक बॉट आता है, मतलब लास्ट बंदा ये बचता है जो कि अभी बॉट था, और जब मैं इसको स्पॉट करता हूँ बाइनोकुलर से तो भाई ये मार्क हो आता है। और यहाँ पे कुछ लिखा रहता है 75 meters, तो मुझे भी लगता है गाइस कि बाइनोकुलर से आप लोग बंदा को मार्क भी कर सकते हो जो 75 meters के अंदर होगा। तो गाइस हम लोग का नेक्स्ट अपडेट है उसमें हम लोग को ये सारा फीचर मिलेगा, बट यहाँ पे गाइस आप लोग देखें इसमें बहुत सारा ग्लीचेस है, मतलब अभी बीटा वर्जन हाल में लॉन्च हुआ है, इसलिए गाइस अभी आप लोगों को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, मतलब कुछ टाइम के बाद सारा ग्लीच फिक्स हो जाएगा, उसके बाद गाइस आप लोग आराम से यूज़ कर पाओगे सारा फीचर्स को। तो गाइस यहाँ पे जो मैंने आपको फीचर दिखा है वो सब आप लोग को मिलेगा। उसके अलावा गाइस और भी बहुत सारा फीचर है, जैसे गाइस एक न्यू व्हीकल आने वाला है, एक बोल सकते हैं सुपर बाइक ऐसा कुछ नेम है, तो वो भी आप लोग को मिलेगा जो कि गाइस इस मैच में मुझे नहीं मिला था। और इसके बाद गाइस मैं आप लोग को एक और फीचर दिखाता हूँ इसी मोड में। अब लास्ट फीचर दिखाने से पहले मैं आप लोग को एक शॉर्ट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे गाइस मैं बहुत से मारने का ट्राई करता आई बटन यूज़ करके, मतलब गाइस ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, अगर आप लोग का प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो आप लोग नहीं मार सकते हो। तो ये मैंने मारा भाई, तो ये बंदा मर जाता है और मेरा चिकन डिनर हो जाता है। अभी गाइस यहाँ पे चिकन के बाद ये फीचर आप लोग को मिलेगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं मुझे एक ऑप्शन यहाँ पे मिल चुका है जिसको मैंने टैप किया, तो ये देखो भाई यहाँ पे एक स्टैचू आ चुका है, तो ये भाई आप लोग पाओगे जब आप लोग चिकन करोगे। और ये गाइस आई थिंक हम लोग को हर एक मैच में मिलेगा, मतलब जो आप लोग का नॉर्मल रैंकर मैच है उसमें भी आप लोग को शायद ये मिलेगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं भाई ये एक स्टैचू है और कुछ नहीं है, बस आप लोग को देखने के लिए कि आप लोग चिकन किए। सो गाइस ये था मेरे इस वीडियो में, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे ऑन करना। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।